कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। प्रचार के लिए वो रायपुर से मेमो ट्रेन में सवार होकर भाटापारा पहुंचे। खास बात यह भी है कि रायपुर स्टेशन में उन्होंने लाइन में लगकर टिकट खरीदा है। वो आम लोगों के साथ ट्रेन में सफर करके भाटापारा पहुंचे। इस बीच उन्होंने ट्रेन में यात्रियों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि रायपुर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय का सामना भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल से है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विकास उपाध्याय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रायपुर लोकसभा का चुनाव है और रायपुर लोकसभा के लिए 9 विधानसभा आते हैं। आज भाटापारा विधानसभा का दौरा है, तो मैंने सोचा कि आज जहां हमारे लोकल ट्रेन में डेली 1000 लोग से भी ज्यादा लोग इस ट्रेन में सफर करके जाते हैं, लोकसभा का सांसद और सरकार इस रेल व्यवस्था में क्या स्थिति, रेल व्यवस्था की क्या बात होनी चाहिए, उस पर जरूर बात करना चाहिए। आज मैंने ट्रेन वालों से, ट्रेन में यात्री करने सफर करने वाले जो डेली सफर करने वाले लोग हैं, उनसे भी चर्चा की। मैं समझता हूँ जब ट्रेन में हम जाते हैं तो आपको सही में वस्तु स्थिति पता चलती है कि क्या किन समस्याओं के लिए आपको सरकार को बोलना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, 9-8 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है इस रायपुर लोकसभा में, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाता।